हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मिश ग्लैम। आई होप आप सब सेफ होंगे और घर पे होंगे। गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना वीकली पैम्पर रूटीन। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ बाथरूम पहन लिया है। गाइस, ये बाथरूम मैंने अमेज़ोन से ली है। मैं इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मेरा वीकली पैम्पर रूटीन। मैं यहाँ सबसे पहले अपने बालों को ऑयलिंग करूँगी। मैंने यूज़ किया है इंदुलेखा भृंगा ऑयल। मुझे ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इंदुलेखा ट्राई किया जाए। एंड मुझे इसके रिज़ल्ट से मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। मैं इसको 1 आवर रखने वाली हूँ अपने बालों में। उसके पहले मैंने अप्लाई किया है जो एप्लीकेटर के थ्रू, एंड फिर मैं उसको अच्छे से अपने बालों में मसाज कर रही हूँ। मसाज करते टाइम मैंने सर्कुलर मोशन में मसाज किया है ताकि जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो और मेरे बालों को नरिश करे। मैंने यहाँ बन बना लिया है पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद हेयर ऑयल, एंड मैं इसको 1 आवर रखने वाली हूँ। उसके बाद गाइस, मैंने अपना स्किन केयर स्टार्ट किया है। स्किन केयर में सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लेंज किया है, एंड क्लेंजिंग के लिए मैंने यहाँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का नीम फेस वॉश यूज़ किया है। मुझे रिसेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे फेस पे कुछ पिंपल्स या रैशेस, कुछ भी कह लीजिए, कुछ निकला है, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का नीम फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ अच्छे से अपने फेस को क्लेंज करूँगी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, ताकि जो मेरा स्किन केयर है वो अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो और मुझे उसका बेनिफिट नज़र आए। फेस को अब स्क्रब करूँगी, उसके लिए मैंने वयम आयुर्वेदा का कुमकुमादी फेस स्क्रब यूज़ किया है। ये फेस स्क्रब मुझे बहुत पसंद है। इसको अप्लाई करने के तुरंत बाद मेरे फेस पे मैं देखती हूँ कि मेरा फेस काफ़ी क्लीन, काफ़ी ब्राइट, काफ़ी क्लियर लगता है। तो मैं वीक में एक बार स्क्रब ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। अभी मुझे रिसेंटली थोड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पर मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए मैं एवरी वीक फेस स्क्रब ज़रूर करती हूँ। मुझे ये फेस स्क्रब रियली बहुत पसंद है। कैमरा में आई डोंट नो आप लोगों को इतना विजिबल होगा कि नहीं, पर मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा दिखता है। एंड नेक्स्ट मैं अपने फेस को शेव करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वयम आयुर्वेदा का एलोवेरा जेल। गाइज, मैं सॉरी टू से, मैं जो अब मेरा जो शेविंग प्रोसेस है उसको शूट करना रह गया। मतलब मुझे लगा था कैमरा ऑन है, पर कैमरा उस वक्त ऑफ था, और मैंने पूरा मेरा फेस शेव करने के बाद मैंने देखा कि कैमरा ऑफ है। नेक्स्ट गाइज, मैं यहाँ पे अपने लिप्स को स्क्रब करूँगी। मैंने यहाँ यूज़ किया है वेला वेटा का निको लिप्स स्क्रब। आप देख सकते हैं कितना फिनिश हो गया है। ये स्क्रब रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक मेरे तो ड्राई एंड चेप्ड लिप्स हैं, तो मुझे इसको यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। एंड इसको अप्लाई करने के बाद मेरे जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड इसमें बीट रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि मेरे लिप्स को इंस्टेंट यू नो पिंक बनाते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैं एक टिश्यू की हेल्प से इसको रिमूव कर लूँगी, एंड देन मैं उसको अपने लिप्स को वॉश करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी बायोटिक का मिल्क प्रोटीन फेस पैक, क्योंकि मेरी फेस जो है वो प्रॉपर क्लीन थी, प्रॉपर मैंने फेस स्क्रब किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फेस पैक को यूज़ करूँ। ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, क्योंकि मेरी फेस पे मैंने शेव भी किया हुआ था। गाइस, मैंने शेव करने के बाद दोबारा एलोवेरा जेल लगाया है, सॉरी मैं तो उस वक्त बताना भूल गई थी। एंड फिर उसको मैंने वॉश करने के बाद मैंने ये फेस पैक अप्लाई किया है। इसको मैं रखने वाली हूँ 20 मिनट्स अपने फेस पे। ये मेरे फेस को इंस्टेंट ब्राइट बनाता है, बहुत सॉफ्ट सपल मेरी स्किन मुझे फील होती है इसको अप्लाई करने के बाद। ऑनेस्टली मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगती है इसको अप्लाई करने के बाद, इसलिए मैं ये फेस पैक
वंस इन अ वीक ज़रूर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाली क्योरा का कलर करेक्शन अंडर आर्म मास्क। मैंने अपने अंडर आर्म्स को पहले ही क्लीन कर लिए थे एंड देन मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये अंडर आर्म मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने तो इसका रिज़ल्ट देखा है। ये मेरा सेकेंड टब है जो ख़त्म होने वाला है, मैं इसको रीस्टॉक ज़रूर करूँगी क्योंकि ये अंडर आर्म मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं 20 मिनट्स बाद अब इसको मैं वॉश कर लूँगी एंड वॉश करते टाइम ज़रूर याद रखें कि आप इसको सर्कुलर मोशन में पहले स्क्रब कीजिए, उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। सेम मैं अपने फेस पैक को भी पहले धोने से पहले अच्छे से अपने फेस पे मसाज करूँगी एंड फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। गाइस नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पियर्स का बॉडी वॉश। मैं अपने बॉडी को भी शेव करने वाली हूँ, इसलिए मैं उसके पहले अपने बॉडी को क्लीन कर रही हूँ पियर्स के बॉडी शावर जेल से। तकरीबन एक साल हो गया है मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ, तो मैं अपने बॉडी को एक डेढ़ साल से मैं घर पर ही हेयर रिमूव कर रही हूँ अपने बॉडी से। एंड हेयर रिमूव करने से पहले मैंने अपने बॉडी पे कंडीशनर अप्लाई किया है। उससे क्या होता है, मेरी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती, जो स्किन हार्श नहीं होता है, स्किन ड्राई, स्किन में ड्राइनेस नहीं आता है एंड मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल होती है। एंड मुझे लाइक ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी अगर आप बॉडी शेव कर रहे हैं तो उसको आप यू नो सोप या कोई भी बॉडी शेव जेल यूज़ करने से बेटर है कि आप कंडीशनर लगा के बॉडी को शेव कीजिए। उससे आप जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है एंड शेविंग करने से जो बाल जो हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। कंडीशनर लगाने से ऐसा नहीं होता है, बाल आपके जो हेयर हैं वो सॉफ्ट ही आते हैं। एंड मैंने शेव करने के बाद उसको वॉश कर लिया अपने बॉडी को एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ये एम कैफीन का बॉडी स्क्रब। ये बहुत ही मुझे ये स्क्रब बहुत पसंद है क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद एक तो जो भी मेरे पिगमेंटेशन है मेरी स्किन में, जो भी सेलुलाइट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं एंड मेरी स्किन में एक सॉफ्टनेस आ गई है, एक मेरी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो गई है डे बाय डे और ज़्यादा ग्लोइंग हो रही है क्योंकि मैं इसको वीक में दो बार यूज़ करती हूँ। और नेचुरली कॉफ़ी रिलेटेड आप कोई भी आइटम अगर अपने फेस या बॉडी पर लगाएंगे तो आपकी एक वैसे भी इंस्टेंट फेयरनेस बॉडी पर आ जाती है। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी जो यू नो पिगमेंटेशन है, स्कार्स है, जो सेलुलाइट है वो रिड्यूस हो सके। एंड इसको मैं अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई करूँगी एंड देन मैं इसको स्क्रब करूँगी और फिर जो भी मेरे पिगमेंटेड एरियाज है लाइक नेक, अंडर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, मैं वहाँ हर जगह अप्लाई करूँगी एंड उसको अच्छे से मसाज करने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। गाइज नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इंदुलेखा ब्रिंगा हेयर शैम्पू। मैंने इसी का ऑयल यूज़ किया था एंड मैं इसका अब शैम्पू यूज़ करूँगी। ये शैम्पू मुझे यूज़ करना बहुत पसंद है क्योंकि आफ्टर एप्लीकेशन मेरा जो सर है, जो मेरा स्कैल्प है, वो बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल सा मुझे फील होता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं और मेरे हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं तो मुझे ये हेयर शैम्पू बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, मुझ पे अच्छा इसका इफ़ेक्ट दिखा है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैंने शावर ले लिया है, अब मैं अपने फेस को टोन कर रही हूँ। मैंने अब गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट टोनर यूज़ किया है, मैंने एयर ड्राई होने दिया है। तब तक मैं अपने बॉडी में बॉडी लोशन अप्लाई कर रही हूँ, वेसलिन का मैंने बॉडी लोशन अप्लाई किया है अपनी बॉडी पर। ये काफ़ी हद तक मेरे बॉडी को हाइड्रेट रखता है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो बार बार मुझे बॉडी लोशन अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये काफ़ी हद तक मेरे बॉडी को लाइक 24 आवर्स तो मतलब हाइड्रेट रखता ही है एंड नेक्स्ट डे मुझे अप्लाई करना पड़ता है आफ्टर शावर पूरे दिन में और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इसको अप्लाई करने की। नेक्स्ट मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल।
प्लस गार्नियर विटामिन सी सीरम, मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी पहले। लाइक मैं सीरम को अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं अपने मॉइस्चराइज़र या क्रीम में इसको पहले मिक्स करती हूँ एंड फिर मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करती हूँ। इससे मेरी स्किन ज़्यादा हाइड्रेट रहती है एंड जो मेरे स्कार्स एंड पिगमेंटेशन है वो विटामिन सी से कम भी होते हैं। मतलब मुझे ये ज़्यादा ये प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। नेक्स्ट मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी बायोटिक का लिप बाम, बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बाम। ये टिंटेड लिप बाम है और मुझे ये काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी जोविस का हेयर सीरम, क्योंकि मेरे बाल जो है वो बहुत ड्राई है तो मुझे जो थिक सीरम है वो अच्छा लगता है। मैं इसके पहले स्ट्रीक्स का अप्लाई करती थी पर वो अभी मार्केट में आना बंद हो गया है। स्ट्रीक्स आर्गन करके कुछ सीरम आता था वो मैं अप्लाई करती थी, पर जब से वो मार्केट में बंद हुआ है मैं ये जोविस अप्लाई करती हूँ, जोविस यूज़ करती हूँ, जोविस का हेयर सीरम। और ये मुझे मेरे बालों को काफ़ी हद तक नरिश्ड, काफ़ी हद तक सॉफ्ट रखता है। गाइज़ अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।